भाकपा अंचल कमेटी चंदवारा के द्वारा प्रखंड मुख्यालय चंदवारा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के पूर्व पुराना थाना चंदवारा के पास से सैकड़ों की संख्या में जुलूस अंचल मंत्री सच्चिदानंद पांडे के नेतृत्व में निकाला गया। जुलूस के दौरान इंकलाब जिंदाबाद चंदवारा वीडियो सीओ होश में आओ दाखिल खारिज एवं जमीन ऑनलाइन में कमीशन खोरी लेना बंद करो वीडियो सीओ की मनमानी नहीं चलेगी आदि नारे लगाए गए। वहीं जुलूस प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर धरने में तब्दील हुई। धरने की अध्यक्षता युवा नेता पुरुषोत्तम यादव ने किया। धरने को संबोधित करते हुए भाकपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य महादेव राम ने कहा कि चंदवारा प्रखंड से लगभग 1000 आवास वापस कर दिया गया, लेकिन जानबूझकर उसे वापस कर दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को कमजोर कर दिए। बजट में प्रत्येक साल आवंटन में कटौती की जा रही है, जिससे झारखंड में लाखों मजदूरों का मजदूरी विगत 4 माह से बकाया है। धरने को संबोधित करते हुए सीपीआई जिला मंत्री प्रकाश रजक ने कहा कि जिले में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराधी बेखौफ घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कोडरमा पुलिस कप्तान मूकदर्शक बने हुए हैं। बैठक को संबोधित करते हुए युवा नेता पुरुषोत्तम यादव ने कहा कि चंदवारा अंचलाधिकारी भ्रष्ट अंचलाधिकारी हैं। गरीबों से जमीन ऑनलाइन एवं दाखिल खारिज आदि कामों में बिना रिश्वत के फाइल आगे नहीं बढ़ाते। चंदवारा अंचल अधिकारी अपने व्यवहार में सुधार नहीं किए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय नौजवान प्रखंड अध्यक्ष बहादुर कुशवाहा ने कहा कि चंदवारा अंचलाधिकारी के खिलाफ पूरे प्रखंड में आम जनों के बीच आक्रोश है। धरने को महेश प्रसाद सिंह और प्रमुख बीरेंद्र यादव, अंचल मंत्री सच्चिदानंद पांडे, दशरथ पासवान, धनपत यादव, कैलाश रजक, अंचल मंत्री अर्जुन यादव और रामकृष्ण शर्मा आदि लोगों ने संबोधित किया। वहीं धरने में छोटेलाल यादव, विश्वनाथ रविदास, रामेश्वर यादव, रमेश यादव, रामचंद्र यादव, सुभाष रजक, उमेश पासवान, उमेश रविदास, कुलेश्वर पंडित, हीरामन रजक, लक्ष्मण सिंह, भगवान अगेरी, बसमतिया देवी, शांति देवी, रीता देवी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चंदवारा के द्वारा आज हमारा विभिन्न जन समस्याओं को लेकर, जिसमें पहला है कि अवैध बालू की बिक्री एवं जमीन ऑनलाइन के नाम पर दाखिल खारिज करने के नाम पर जो वर्तमान सीओ रामरतन बर्णवाल के द्वारा जो मोटी रकम लेके लोगों का काम कर रहे हैं, और एजेंट के द्वारा यदि हम पैसा नहीं पहुंचाएंगे तो अनावश्यक लकड़ पेच लगा के उनका माने रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आज हम लोग चंदवारा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी का हम लोग घेराव किए हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जो 7 महीना से नहीं मिला है, जो आपने ट्रैक्टर से जो अवैध बालू के कमाई कर रहे हैं उसमें मिली भगत है, इसी के खिलाफ हम लोगों ने जब जान आंदोलन किया है। आज हम लोगों ने सांकेतिक धरना दिया है। यदि हम लोगों का मांग पर सहानुभूति पूर्वक अगर विचार नहीं किया जाएगा तो आज हम लोग प्रखंड का घेराव कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जिला का भी घेराव करके जनता का समर्थन लेके इन तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को तेज करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद चंदवारा के द्वारा चंदवारा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया, और धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया कि इस प्रखंड के विभिन्न गांव में जनता में आक्रोश है। यहां के अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी की रवैया से यहां की जनता आक्रोश है। इस आक्रोश के सवाल को लेकर के यहां धरना दिया गया है, जैसे कि जमीन ऑनलाइन के नाम पर पैसा लेना, विविध वाद खोलना, उस पर पैसा लेना, जाति आवासीय प्रमाण पत्र समय पर निर्गत नहीं होना और मोटेशन में मोटी रकम लेना, यह तमाम सवालों को लेकर के जनता में आक्रोश है। और यहाँ का चेतावनी देने के लिए आया है कि आज यहाँ के अंचलाधिकारी आप यहाँ संभलने का काम करो। मैं कम्युनिस्ट पार्टी कोडरमा जिला में मजबूत है, आज हम लोग यहाँ धरना दिए हैं। हम लोग जिला लेवल पर सभी प्रखंडों में बैठक करेंगे और वहाँ जिला में भी हम लोग धरना देंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद चंदवारा के द्वारा चंदवारा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग मांग करने आए हैं। झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित आपके द्वार आपकी सरकार कार्यक्रम में जो आवेदन आए
कलेक्ट किया गया है। विभिन्न पंचायतों में जो आवेदन दिए गए हैं, चाहे आवास हो, चाहे राशन कार्ड हो, दाखिल खारिज हो, सारे आवेदनों पर निष्पादन किया जाए और अगर निष्पादन नहीं होती है तो पार्टी आंदोलन करेगी। साथ ही साथ अंचल चंदवारा में भयंकर अंदरगर्दी चल रही है, जमीन ऑनलाइन में गड़बड़ी हो रही है, दाखिल खारिज में जो भी ऑनलाइन आवेदन आ रहा है, जो कर्मचारी से संपर्क कर रहा है, जो सीआई से लोग संपर्क कर रहे हैं उनका हो जा रहा है, जो इनके कलेक्टिंग एजेंट रखे हुए हैं यहाँ के सीओ साहब, उनके एजेंट के जरिए जो वो दाखिल खारिज के लिए आवेदन आता है उसका मंजूर हो जाता है, बाकी आवेदनों को पेंडिंग बताया जाता है, कुछ न कुछ लकड़ पेंच लगा करके खारिज कर दिया जाता है। ये जो अंधेरगर्दी है इसमें लगाम लगाने की जरूरत है। प्रखंड में मजदूरों के ये मनरेगा के तहत बहुत सारे मजदूरों का, लाखों मजदूरों का मजदूरी बाकी है और इनको पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो जिन मजदूरों ने मनरेगा के तहत मजदूरी किया है सामग्री का पैसा बाकी सारे लोगों को दें। और पोषण सखियों का एक साल से मानदेय बाकी है, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए। हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि उनका भी मानदेय अविलंब भुगतान किया जाए, नहीं तो पार्टी आंदोलन करेगी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।